हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं हूँ दीदी के यहाँ पे और यहाँ पे उनके मकान का काम चल रहा है, तो वो देखने आया था थोड़ा। तो बने रहिए आज के व्लॉग में, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए, तो दोस्तों दीदी के घर का नज़ारा बाहर से कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। और घर जो है काफ़ी ज़्यादा कम्प्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा लास्ट का फिनिशिंग बाकी है, तो अभी उसका काम भी चल रहा है। और काफ़ी अच्छी कॉलोनी है, ठीक ठाक जगह पर बना हुआ है और मुझे तो अच्छा लगा। काफ़ी रातीबड़ का जो इलाका है तो ज़्यादा दूर भी नहीं, साक्षी ढाबा के पास है, तो ज़्यादा भोपाल से दूर भी नहीं, हिमाचल भी पास में लगता है, तो काफ़ी सही जगह में दीदी का प्लाट है और बन चुका है। आप देख ही सकते हैं कि बस फिनिशिंग चल रही है। और यहाँ पे दोस्तों नए मकान बन रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा इलाका है, खुला खुला सा इलाका है। और आप देख सकते हैं कि छत से भी बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन है और सामने आपको केरवा डैम के पहाड़ वगैरह भी दिख जाएंगे, तो काफ़ी अच्छी जगह है, मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। और जब ये मकान बन के कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं इधर पे ज़रूर आऊँगा और काफ़ी दिन रह के जाऊँगा, तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ केरवा डैम की तरफ पहाड़ी इलाका दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों हम आ गए दीदी के घर पे, जहाँ पे वो इस समय रह रही हैं। तो यहाँ पे अभी मम्मी कर रही थी कपड़ों की धुलाई, आप देख सकते हैं, और यहाँ कपड़ों की धुलाई चल रही है। और दोस्तों यहाँ पे भांजा पबजी खेल के अभी अभी आया है, तो इससे भी मुलाकात हो गई है। और मैंने दीदी का रूम देखा तो दीदी अभी भी काफ़ी पढ़ाई करती रहती हैं और IAS वगैरह की अभी प्रिपरेशन कर रही हैं, उनकी जॉब की तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी कॉपी किताबें रखी हैं, तो यहाँ मैंने अपने भांजे से बोला कि चलो लाओ अपनी बुक्स वगैरह दिखाओ, इनका मैंने थोड़ा पढ़ाई चेक करी कि ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो उसकी मैं यहाँ ड्राइंग देख रहा था, ड्राइंग वो काफ़ी अच्छी उसने बना के रखी थी, और उसने बताया कि मैं यूट्यूब से देख के काफ़ी ड्राइंग की प्रैक्टिस करता हूँ, और काफ़ी अच्छी अच्छी दोस्तों उसने ड्राइंग बना रखी थी स्पाइडर मैन की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के। तो यहाँ पे बस उसकी बुक्स वगैरह चेक कर रहा था। ये देखो दोस्तों, इनने आज के दिन पता नहीं काय की सब्जी बनाई है, इसमें गोभी के डंठल भी हैं, बरबड्डी भी है, टमाटर भी हैं, भाटा भी है, मतलब ये एक मिक्स मिक्सचर मम्मी कह रही है हमारी। मिक्स सब्जी। मम्मी कौन सी सब्जी है? मिक्स सब्जी। मिक्स वेज, तो ये मिक्स वेज टाइप, तो दोस्तों ये मिक्स वेज टाइप की सब्जी बन रही है, अब देखते हैं खाने में कैसी लगेगी। आपको कमेंट करके बताना कैसी लगी, कि आप लोग भी बनाए ऐसी सब्जी की हमारे यहीं बन रही। चलो अब उसको धीमा कर दो, पकने दो। हाँ वही, चलो अभी पकती रहेगी, चल ले ढक दे, अभी आओ, अभी मेरे रोटी पलट रही ऐसे। तो जो मिक्स वेज थी वो इस तरह से बनी है, देखिए आप, और अच्छी लग रही देखने में, अब खा के पता चलेगा कैसी है। आलू आलू डाल देते, नहीं डाल, आलू नहीं डालना, भर भर के, क्योंकि वैसे बोलना ही भी वो है साजन, इसको चूस लो साजन। मम्मी गोल रोटी कैसे बनाते हैं? ऐसे बेल बेल के आप बन जाती है, बेल बेल के। हमसे तो नहीं बनती, हाँ काट के सीखो तो, हमसे तो चार कोने की बनती है, हमसे तो बोले आती। मैं तो पहले चार कोल की बना के, चार कोने की बना के उसको काट देता था चाकू से गोल गोल। नहीं रोटी को ऐसे पप्पू कैसे बना लेते थे, वो बना लेता है पूरा, सीख लिया था खाना बना। हाँ तो वो अकेले रहता रहे ना, उससे बनने लगी हुई तो रोटी कांता बना लेते बेल बेल कर। नहीं बना तो मैं भी लेता हूँ, पर गोल नहीं बन पाती बस। ये
तो दोस्तों शाम को पापा की कॉफ़ी का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा उनको कॉफ़ी दे दूँ। तो दोस्तों एक कप जो है मुझसे क्रैक हो गया था, तो इसमें आपको थोड़ा सा दरार सी दिख रही होगी। और चलिए उनको कॉफ़ी बना के दे देते हैं। और दोस्तों उनको डायबिटीज़ था, तो उन्होंने चाय पीना बंद कर दिए। तो बिना शक्कर की चाय उन्हें पसंद नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने कॉफ़ी पीना चालू कर दिया। तो कॉफ़ी थोड़ा उन्हें पी लेते हैं, अच्छी लगती है कॉफ़ी। तो चलिए कॉफ़ी हम बना लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको ये थोड़ा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।